अच्छा बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोमेंटम। पहली बात ये याद रखनी है आपने कि मोमेंटम को शो किया जाता है पी से, पी एंड देन आप इसके ऊपर लगाते हैं वेक्टर एरो, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए पी के ऊपर आप क्या लगाते हैं, वेक्टर एरो। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि मोमेंटम को शो किया जाता है पी से। अच्छा बेटे, मोमेंटम होता क्या है, ये आपने ना आंखें खोल के, कान खोल के, गुर्दा जिगर जो जो खोल सकते हैं ध्यान से समझना। देखें, इमेजिन करें आपके पास ये एक ट्रक है। क्या है? ट्रक है, ठीक है बेटा। अब ये आपके पास एक ट्रक है और आप में से कोई बीबी कहती है, जी मैं तो सुपरमैन हूं और मैं इस ट्रक को रोक के दिखाऊंगी, हालांकि वो ट्रक पहले ही रेस्ट पर पड़ा हुआ है। अगर वो ट्रक रेस्ट पर पड़ा है तो मैं बोलूंगा कि इस ट्रक की जो विलोसिटी है वो क्या है, जीरो। समझ आ रही है बात? अगर एक ट्रक रेस्ट पर पड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अच्छा मुझे बताएं कि क्या इस ट्रक का मैस भी जीरो होगा? क्या ख्याल है आपका, क्या इस ट्रक का मैस जीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, इसका मैस जीरो नहीं होगा, इसका मैस होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो लेट्स से इसका मैस है मैस एम। अब अगर ये मैस एम है, इस ट्रक के पास मैस है लेकिन रफ्तार नहीं है, ट्रक के पास मैस मौजूद है लेकिन बजाते खुद ट्रक रेस्ट पर है, यानी ट्रक के पास मैस तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो क्या ये सामने खड़े हुए बंदे को कोई असर शो करेगा, क्या उसको कोई नुकसान देगा, बताएं जी। अगर एक ट्रक रेस्ट पर है, उसका मैस तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो क्या ये सामने खड़े हुए बंदे को कोई नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। तो मैं इस केस में बोलूंगा कि इस ट्रक का कोई असर नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, और जो इफेक्ट नहीं है उस केस में बोलूंगा इसके बाद कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि यही ट्रक है और ये ट्रक अब रेस्ट पर नहीं है, अब इस ट्रक के पास मैस तो है जो कि पहले भी था, मैस पहले भी था इस ट्रक के पास, लेकिन अब मैस होने के साथ साथ इसके पास क्या आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है, और ये किसी खास वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब मैस के साथ साथ इसके पास क्या आ चुकी है, वेलोसिटी। तो अगर अब कोई सुपर हीरो बनने की कोशिश करे और इसके सामने खड़ा हो तो ये ट्रक उसको रौंद डालेगा और वो बंदा अल्लाह अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब देखें कि जब मैस के पास वेलोसिटी आती है तो उसके पास एक असर आ जाता है, और वो जो असर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोला जाता है मोमेंटम। यानी जब किसी मैस के पास वेलोसिटी होती है तो उसके अंदर एक ऐसा अफेक्ट आ जाता है, उस अफेक्ट का नाम क्या होता है, मोमेंटम होता है। अगर मैं पहली वाली मिसाल लूं जिसमें बॉडी के पास मैस तो था लेकिन बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं थी, तो बॉडी का कोई असर भी नहीं था, बंदे को उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमारे मैस के पास वेलोसिटी आई, यानी मैस के पास रफ्तार आ गई, जैसे ही मैस के पास क्या आ गई, रफ्तार, तो मैंने ये बोला कि मैस के पास रफ्तार आने की वजह से बॉडी के पास एक अफेक्ट आ गया, उस अफेक्ट को हमने क्या बोला, मोमेंटम। तो जैसे ही मैस के पास वेलोसिटी आ जाए, बॉडी के पास क्या आ जाता है, मोमेंटम। अब जरा तवज्जो से बात को समझना आप, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये वाला बंदा, ये बंदा इस ट्रक को रोकने की कोशिश करेगा, यानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। और चूंकि इस ट्रक के पास मैस भी है, वेलोसिटी भी है, जिस चीज के पास मैस हो और वेलोसिटी हो उस चीज के पास क्या होता है, मोमेंटम। तो चूंकि इसके पास मोमेंटम है तो ये वाला ट्रक अपने रोकने वाले के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बंदा इस ट्रक को रोकना चाह रहा था लेकिन ट्रक के पास क्या मौजूद था, मोमेंटम। तो मोमेंटम की वजह से, मोमेंटम एक ऐसी खासियत है जिसकी वजह से बॉडी अपने रोकने वाले के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अगर आप यहां से ये डायग्राम समझे ना, तो डायग्राम कह रहा हूँ, डेफिनेशन समझे ना, तो आपको मोमेंटम समझ में आ जाएगा। क्या है मोमेंटम? दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ बॉडी, किसी बॉडी की खासियत, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या लगाता है, फोर्स, ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट, हर उस चीज पर जो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो जब कोई बॉडी, जब कोई मैस अगर वेलोसिटी गेन कर ले, यानी किसी मैस के पास वेलोसिटी आ जाए, तो उसको जो भी चीज रोकने की कोशिश करती है उस चीज के ऊपर वो मूव करने वाली फोर्स, मूव करने वाला ऑब्जेक्ट क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। यानी मोमेंटम बॉडी की वो खासियत है जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज उस बॉडी को रोकने की कोशिश करती है तो मोमेंटम की वजह से वो बॉडी रोकने वाली बॉडी के ऊपर
फोर्स लगाती है, यानी रुकती नहीं है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं जो मैंने अभी बताया, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी मैस के पास वेलोसिटी आती है तो उसका जो इफेक्ट होता है, यानी मैस के पास वेलोसिटी आने का जो असर होता है, उस असर का नाम क्या होता है? मोमेंट। इसकी मैथमेटिकल और सादा डेफिनेशन जो है वो ये लिखी है जी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये आपके पास है मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो है जी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। नाउ मोमेंटम आपके पास है पी, और पी जो है वो आपके पास वेक्टर है। तो मोमेंटम जो है वो मैस और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है। तो अगर आप मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है? मोमेंटम। अब चूंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है और जो मैस है वो एक स्केलर है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था अगर आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर में क्या आता है? वेक्टर आता है। तो ये जो मोमेंटम होगा ये क्या होगा? ये वेक्टर होगा, क्योंकि मोमेंटम के फासले में आप एक स्केलर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वेक्टर से। बेटे बात समझ में आई है? अब एक और डेफिनेशन पाई जाती है मोमेंटम की, दैट इज मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ब्रेक्स लगाने के बाद बॉडी कितना आगे जाती है। आप देखिए ना, जिस चीज के पास मोमेंटम होता है, यानी जिस मैस के पास वेलोसिटी होती है, उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो जब किसी बॉडी के पास मोमेंटम होता है तो जब आप उसके ऊपर ब्रेक्स लगाते हैं तो वो स्लिप हो जाती है, या उसी वक्त नहीं रुकती, थोड़ी दूर जाके रुकती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मोमेंटम। समझ आ गई बच्चे? बेटा अब जो मोमेंटम है आपके पास पी, उसका फार्मूला है मैस इंटू वेलोसिटी। अगर आप यहां से इसका यूनिट निकालना चाहें तो मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास मोमेंटम का एक यूनिट क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने ये लिखा है, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि मोमेंटम का एक और यूनिट होता है जिसका नाम क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। तो बेटा पेपर में ये सवाल आता है कि प्रूव करें, प्रूव दैट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि एक न्यूटन सेकेंड जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, यानी दोनों यूनिट्स मोमेंटम के साबित कर। बेटा देखें जरा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूटन सेकेंड। बेटा न्यूटन क्या होता है जी? देखें जरा तवज्जो से आंखें खोल के, राइट साइड पर फोर्स बराबर है एम ए के, पढ़ा है ना आपने फोर्स का फार्मूला, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और मैस का यूनिट क्या होता है? मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है जी? एक्सलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहां से पता चला कि न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन की जगह लिखूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी जगह आ गया? न्यूटन की जगह। और साथ हमारे पास क्या बचा कुचा रह गया? सेकेंड बचा कुचा रह गया। अब बेटा आंखें खोल के देखिएगा, अगर आप ये वाले सेकंड को और ये वाले सेकंड को मल्टीप्लाई करें, यानी एस की पावर -2 और एस को मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा बेटा? तो ये आंसर देगा बेटा, यस बिल्कुल, एस की पावर -1 आएगा। तो आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा, न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास प्रूव हो गया कि न्यूटन सेकंड किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी बेटे, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो मुझे यकीन है कि आप इसको गलत करके आएंगे। गलत तो नहीं करके आएंगे? चलें जी, शाबाश। जी बेटे, तो यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है कि मोमेंटम के दो यूनिट्स होंगे हमेशा, एक यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दूसरा होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बात मैं टॉप पर लिख देता हूँ कि एक इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दूसरा इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड। अच्छा, अब यहाँ से आपने इसकी डायमेंशन भी याद रखनी है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो बेटा मोमेंटम पी की डायमेंशन निकाल लेते हैं।
किलोग्राम किसके बराबर होता है बेटा? किलोग्राम किसकी डायमेंशन है? मैथ किलोग्राम, की। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, ओए होए। अच्छा जी, किलोग्राम जो है वो मास की डिमेंशन है, मीटर जो है वो लेंथ की डिमेंशन है, सेकंड जो है वो टाइम की डिमेंशन है। तो MLT-1 आपके पास बनेगा। ये लें जी, ये आपके पास आ गई मोमेंटम की डायमेंशन MLT-1, और ये मैंने आपको यहाँ लिख कर दी है, दिस इज द डायमेंशन। अच्छा, अब स्पेशल कंडीशन क्या है MCQs के हवाले से? आपने स्पेशल कंडीशन याद रखनी है, अगर विलोसिटी आपकी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा। समझ रहे हैं बात? अगर विलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो, क्योंकि पी बराबर है एम वी के, तो विलोसिटी जीरो है तो एम के साथ जीरो मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अच्छा, अब अगर आप मैस को कांस्टेंट रख दें इक्वेशन में, तो आपके पास जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, बॉडी का मोमेंटम उतना ही क्या होगा? ज्यादा। फिर समझ लें, बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा, ये एरो हमारे क्यों गलत लग रहे हैं जी? बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा, बॉडी का मोमेंटम उतना ज्यादा। यहां से आपने ये भी बात याद में रखनी है कि मोमेंटम और मैस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी बॉडी का मैस जितना ज्यादा होता है, बॉडी का मोमेंटम उतना ज्यादा होता है। यहाँ लिख देता हूँ, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। जी बेटा, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आ गई हैं तो ओके करें, नहीं समझ में आई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी ने लाइक को बताओ जल्दी से। जी बच्चों, तो आपको पीछे वाली सारी स्लाइड समझ में आ गई है? जो मोमेंटम के वाले से मैंने बेसिक बातें बताई हैं, आपको समझ में आई हैं तो मुझे बताएं बेटा जल्दी से। चलें बेटा, अब जरा देखिएगा, अब आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने लगा हूं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है अब मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, इसके अलावा इस टॉपिक का नाम होता है फोर्स एंड मोमेंटम। तो आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में मेरे से एक बड़ी मजे की और बड़ी आसान सी डेरिवेशन पढ़ी थी, और वो डेरिवेशन का नाम था फोर्स एंड मोमेंटम। याद है किसी को? 9th क्लास मेरे से ही पढ़ी हुई है सबने, के 2 साल हो गए हैं, याद नहीं है आप किसी को? 2 साल हो गए हैं, काफी अरसा होता है 2 साल। अच्छा बहरहाल, तो ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास में फोर्स एंड मोमेंटम के नाम से है, और फर्स्ट ईयर में ये मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से है। बहरहाल बेटे, आपने जरा बातों को ध्यान से समझना है। आप ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? तो आप ये बात जानते हैं कि बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। जानते हैं ना आप ये बात? अब आप देखें कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम। लिख सकते हैं ना ऐसे? अच्छा, अब आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा, तो मैं कहता हूं जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक,
अच्छा, अब न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। न्यूटन का सेकंड लॉ सादा सी बात करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ सादा सी बात क्या करता है जी, एफ किसके बराबर है, एम ए के। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये मैस जो है आपका, सॉरी ये जो एक्सेलरेशन, सॉरी सॉरी सर, ये जो मैस है आपका, ये एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर फोर्स के साथ आकर ये क्या होगा, डिवाइड होगा ना। तो आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो आप ये एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट कर सकते हैं बेटा, ये वाला एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने पुट करना है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला इसमें पुट कर। देखें जी अब क्या होगा जी, वो एक्सेलरेशन का फार्मूला जब उधर जाएगा तो बनेगा जी एफ बाय एम बराबर है वी एफ माइनस वी आई। डिवाइडेड बाय टाइम। जी बेटे बात समझ में आई, अब अगर आप गौर करें तो ये वाला मैस इधर डिवाइड हो रहा है, ये वाला मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर वी एफ माइनस वी आई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी एफ इक्वल्स टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम। अब आप क्या करें जी, आप पहले एम को वी एफ के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर आप एम को वी आई के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी एफ इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है कि एम वी किसका फार्मूला होता है, एम वी तो मोमेंटम का फार्मूला होता है ना। तो आपके पास बनेगा फोर्स इज इक्वल टू एम वी है मोमेंटम। अब यहां पर आपके पास क्योंकि एफ लगा है तो पी एफ आ जाएगा फाइनल मोमेंटम, और एम वी है मोमेंटम, आई लगा है तो इनिशियल मोमेंटम, और आप इसको डिवाइड कर दें किससे, टाइम से। तो आपके पास फोर्स आएगी पी एफ माइनस पी आई। अब आप क्या कह सकते हैं जी पी एफ माइनस पी आई को, तो आप चुप करके कह दें जी पी एफ माइनस पी आई है डेल्टा पी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज, तो जो आपके पास चेंज है वो आएगा डेल्टा पी। तो फोर्स आपके पास आएगी डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगर कोई चीज टाइम से डिवाइड हो रही हो तो टाइम से डिवाइड होने वाली चीज का नाम क्या होता है बेटा, रेट होता है ना। तो यहां पर आप देखें कि देयर इज अ रेट। अब रेट किसका है, डिवाइड कौन टाइम से हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने याद रखना है कि जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट एक्चुअली इक्वल्स फोर्स। तो बेटा ये आपके पास फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई, कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। अब ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसका बड़ा ही मजे का और बड़ा ही दिलचस्प रिजल्ट निकलता है। क्या रिजल्ट निकलता है जी, अगर आप इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो फोर्स आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम। ऐसा ही है, फोर्स ऊपर है टाइम नीचे है। इसका मतलब ये है अगर बॉडी में फोर्स पहुंचने में वक्त ज्यादा लगता है तो फोर्स की मिकदार क्या हो जाती है, कम। और अगर फोर्स पहुंचने में वक्त कम लगता है यानी फोर्स जल्दी से पहुंच जाती है तो फोर्स की मिकदार क्या हो जाती है, ज्यादा। अब इसकी मिसाल देता हूं बेटा, लेट्स से कि आपके पास एक कप है, ये आपके पास एक कप है और नीचे आपके पास ग्राउंड है। ये कप सीधा ग्राउंड पे गिरता है, तो जैसे ये कप ग्राउंड पे गिरेगा तो ग्राउंड की रिएक्शन फोर्स फौरन ही किसको टच कर लेगी, ग्लास को। यानी ये वाली फोर्स फौरन किस में पहुंच जाएगी, ग्लास में। अब फोर्स क्योंकि फौरन ही ग्लास में पहुंच गई है, आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगा है, समझ रहे हैं, आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगा है। तो टाइम कम लगने की वजह से इफेक्ट क्या हुआ है कि फोर्स क्या हो गई है, बहुत ज्यादा। और फोर्स ज्यादा होने की वजह से आपका जो कप है वो टूट जाएगा, यानी मैं ये बोलूंगा कि आपका जो कप है वो टूट गया है, शेटर हो गया, समझ रहे हैं बात। लेकिन आप लोगों ने बाजार से अगर शीशे के कप खरीदे हो, तो लेट से कि ये हमारा नया शीशे का कप है जो कि पुराना टूट गया था, अब हम नया बाजार से लाए हैं। तो जब आप बाजार से शीशे का कप खरीदते हैं तो वो शीशे का कप आपको एक बॉक्स में डाल के देते हैं, देखा ना आपने, पॉलीस्टायरीन बॉक्स में। अब अगर ये आपके पास ग्राउंड है
और इसके ऊपर कप गिरता है नीचे आके। तो अब जब कप इधर गिरेगा तो पहले आपकी जो फोर्स है वो फोर्स किसको टच करेगी, पहले फोर्स गुजरेगी बॉक्स में से, फिर वो फोर्स मजीद आगे जाएगी, और फिर वो फोर्स किस तक पहुंचेगी, कप तक, है ना। अब देखें कि फोर्स को कप तक पहुंचने में वक्त ज्यादा लग रहा है ना, आपकी जो फोर्स है कप में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, और इस केस में आपका जो कप है वो टूटने से बच जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी। अब ये चीज बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी यूज होती है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो फोर्स को आपकी बॉडी तक पहुंचाने में वक्त ज्यादा कर देती हैं। पहले बुलेट पहुंचेगी जैकेट तक, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, फिर बॉडी तक पहुंचेगी। तो फोर्स, क्योंकि वक्त ज्यादा लगता है, फोर्स क्या हो जाती है, कम, इसलिए बंदा बच जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये बेटा इसके अफेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं आपको रीड करवाता हूँ जो मेन पॉइंट्स है इसके। जल्दी करें बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, अगर कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आई वो भी मेरे से पूछ लें। चलें बच्चों, मैं रेस कर रहा हूं इसको, 1 2 3, ओके बाय। चलें अब जरा देखिएगा, यहां पर आपने वो, मैं स्पेशल केसेस आपको पढ़ा रहा था, देखें क्या मैंने बोला था कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। याद रखिएगा, जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये कब है, जब मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके ऑपोजिट जो मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब बेटा, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर मास प्रोपोर्शनल हो तो फिर बेटा जो मास कांस्टेंट हो तो फिर मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये मैंने अभी आपको पूरी डेरिवेशन समझाई है, क्या कहता है जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अल्फाज पे गौर करना है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिससे डिवाइड हो रहा है टाइम से, और वो किसके बराबर होता है, इक्वल्स अप्लाइड फोर्स। यहां से आपने ये वाली बात भी याद रखनी है, यहां से आपने ये वाली बात भी याद रखनी है कि जो आपकी फोर्स है उसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ मोमेंटम, यानी जिस तरफ आपका मोमेंटम होगा बॉडी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाएगी। और ये बात इस लाइन में लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंट। जी बेटे, बात समझ में आई? वॉइस कट रही है? और कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेरी आवाज कट के आ रही हो, जल्दी बताइएगा सारे। और कोई ऐसा है जिसको मेरी आवाज कट के आ रही हो? पर बेटा आपका इंटरनेट स्लो है, जहां तक मेरा ख्याल है आपका इंटरनेट मुझे स्लो फील हो रहा है बेटा, अभी सेट हो जाता है। तो बेटा यहां तक ओके है ना सब कुछ सबको? अच्छा बेटा, इंपल्स वाला टॉपिक तो हम अगले 15 मिनट में करेंगे, या इंपल्स वाला टॉपिक हम कल ही कर लेंगे, आज आप बेसिक जरा बातें समझ लें। यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स मैंने लिख कर दिए हैं, और वो रिलेशनशिप मैं ना पहले आपको समझा देता हूँ कि करने कैसे हैं। देखें बेटा, पहला जो रिलेशनशिप है ना वो है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, और वो आपको ध्यान से आपने पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। हाँ
सुबह बेटा, अब आपको मेरी आवाज ठीक आना शुरू हुई है या अभी भी कट रही है? सुबह अरे जी बच्चों, तो देखिएगा, अब हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। दुबा बेटे, आपका इंटरनेट स्लो है, जहां तक मुझे लगता है आपका इंटरनेट स्लो है। बाकी किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है? मेरी वीडियो स्लो चल रही हो या आवाज कट के आ रही हो? बेटा आपका इंटरनेट स्लो है, बाकियों को मसला नहीं आ रहा। तो बेटा आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो बेटा अब जरा देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2, क्या मैं v का स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ v.v? बोले v के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ v.v? लिख सकता हूँ ना बेटा? अब जरा देखिएगा, ये एक्चुअली मैंने किया क्या, v के स्क्वायर को मैंने v.v लिख दिया। अब आपने याद रखना है, यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम। आप मैथ से डिवाइड करेंगे ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड वाली साइड को आपने मैथ से मल्टीप्लाई भी कर देना है और मैथ से डिवाइड भी कर देना है। इस केस में क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv.v, और साथ हमने इसको मैथ से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो इस केस में आपके पास आएगा जी एम बाय एम। मैथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैथ के साथ डिवाइड। अच्छा बेटे, अब जरा देखें, एम वी किसका फॉर्मूला है? एम वी किसका फॉर्मूला है बेटे, को बताएगा? बोलने बोलने न लाइक को जवाब दो, क्यों बुत बन के बैठ जाते हो? यस, एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो अब जरा इधर देखें, अब ध्यान से, बड़ा बारीक नुकता है बेटा, ध्यान से। ये वाला m और ये वाला b, v भी तो एम वी बन रहा है ना। ये वाला m और ये वाला v भी क्या बन रहा है, एम वी। तो यहाँ पर कितने मोमेंटम आएंगे? दो मोमेंटम आएंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी को अब मैं जानबूझ के सादा एनर्जी लिख रहा हूँ, ई फॉर एनर्जी 1/2। अब एक एम वी ये है, एक एम वी ये है, दो मोमेंटम आएंगे तो मोमेंटम का स्क्वायर बन जाएगा। दो मोमेंटम आएंगे तो मोमेंटम का स्क्वायर बन जाएगा, और वो डिवाइड किससे हो जाएगा, मैस से डिवाइड हो जाए। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा जी 1/2 p² / m। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e=p² / 2 m। तो अगर आपको मोमेंटम और मैस दिया गया है, तो आप एनर्जी मालूम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है इस फार्मूले से। और फिर आप ऐसा करें कि ये जो 2 m है ना, 2 m, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें। तो आपके पास ये बनेगा जी p² = 2 e m। और आप जब अंडर रूट लेंगे तो आपके पास पी स्क्वायर की जगह p आ जाएगा और आएगा जी मोमेंटम इक्वल्स टू 2 m। मोमेंटम इक्वल्स टू 2 m, ठीक है बेटा। ये एक ट्रिक भी याद रख लेना, टोमी टोमी।
ठीक है ना, मोमेंटम इक्वल्स टू टॉमी, टू मी फॉर टॉमी। जी बेटे बात समझ में आई कि अगली भी गई? अगर आपको मोमेंटम और मास दिया है तो एनर्जी मालूम कर सकते हैं, अगर एनर्जी और मास दिया तो क्या मालूम कर सकते हैं, मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में याद रखना आप। अंडर रूट, जी बिल्कुल अंडर रूट आएगा। जी जी बिल्कुल अंडर रूट आएगा। चले बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। ये एमसीक्यूज में ही आपने याद रखना है। अगर आपको किसी एमसीक्यू में मैस और एनर्जी दिया गया, यानी अगर किसी एमसीक्यू में अगर आपको मोमेंटम और मैस दिया गया है और एनर्जी पूछी गई है, तो आप यहां से मालूम कर सकते हैं इफ इफ मैस एंड मोमेंटम इज गिवन। और अगर आपको मैस और एनर्जी दी गई है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करके क्या मालूम कर सकते हैं, मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। आप इन इक्वेशंस के साथ खेल भी सकते हैं। जैसे अब मोमेंटम क्या होता है, ये मोमेंटम पी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना एम वी, और एम वी हमारे पास किसके बराबर है, 2ME के। तो अगर आपको मैस दिया गया हो, जी बिल्कुल, अगर आपको मैस दिया गया हो तो आप मैस को उधर जाकर डिवाइड कर दें, वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं फिर आप ऐसे। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वेलोसिटी की, तो आप इसमें से वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे, आप कहेंगे जी वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2ME डिवाइड बाय एम। चलें बेटा अब मैं मीटिंग एंड करने लगा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3 ओके बाय। चलें तो बेटा आज के लेक्चर में हमने मोमेंटम पढ़ा और 11:07 हुए हैं अभी। चलें वैसे अब हमें 9 मिनट बाद ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसलिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है ना बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है, बाकी सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।